ये कोई कस्टमर जो है ना अपना एक बैग भूल गया यहाँ पे, तो एक दफा इसमें से सामान भी देख लेते हैं ताकि एज अ प्रूफ भी हमारे पास वीडियो भी रहे किसी के ये सामान था। तो ये देखिए आपको दिखाते हैं हमारी आज की अर्निंग कितनी हुई है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर ब्लॉग ऑफ इनड्राइव अर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज ही माशाल्लाह से मौसम बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है हल्की हल्की। आप लोगों की तरह भी ये मौसम भी आज बहुत प्यारा हुआ है। तो ईद का चौथा दिन है, लोगों ने अपने घरों में जाना होगा, तो देखेंगे कि आज कितनी राइड्स मिलेंगी हमें। इनड्राइव पे ज्यादा मिलेंगी या यांगो पे, कोशिश मेरी यही होगी कि हम इनड्राइव पे ज्यादा लें क्योंकि इनड्राइव के फेयर अच्छे होते हैं। तो अभी अपनी इनड्राइव और यांगो को करते हैं ऑन और जो है लेते हैं अपनी फर्स्ट राइड और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह फर्स्ट राइड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हमें फर्स्ट राइड मिल गई है अपनी, 1 से 2 मिनट में मिल गई है माशाल्लाह। तो अभी जी कस्टमर को मैं जा रहा हूँ पिकअप करने, इनकी मैं आपको पिकअप लोकेशन दिखा देता हूँ। ये ऑपोजिट साइड है, एक सेकेंड, ये मेट्रो का स्टेशन गुजर जाए। ये सामने वो जो पिज्जा लिखा हुआ है पिज्जा के साथ ही है, बिल्कुल अल फजल है। ऑपोजिट रोड से इनको पिकअप करने जाना है और जो इनको आगे 5 से 5.5 किलोमीटर आगे ड्रॉप ऑफ है। और ये देखें इनका फेयर 650 रुपए में ये राइड ओके की है, मैंने फुल फेयर दिया। राइड ये राइड मिनी है, इन्हें ये राइड गो है, गो की राइड है, मैंने मैक्सिमम फेयर दिया और कस्टमर ने पिक कर ली। बारिश का जो है ना मौसम है, आपको पता है बारिश में लोगों की मजबूरी होती है जाना ही जाना, तो ऐसे मौसम में जो हमें सिर्फ फायदा होता है। तो अभी जा रहा हूँ मैं कस्टमर को पिक करने, वो उनका घर तो गलियों में था लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि मैं बाहर अलफजल के पास आ रहा हूँ, आप वहाँ पे आ जाए। चलते हैं कस्टमर को करते हैं पिक, देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, वो राइड को उतार दिया है और अभी जो है बारिश होने लग गई है, इतनी तेज नहीं है, नॉर्मली सी एक बारिश हो रही है। तो साथ ही है जो हमें अगली राइड मिल गई, शायद मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताया हो कि पाक अरब सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, यहाँ पे आप रमजान में भी आ जाओगे ना जहाँ पे काम होता नहीं है तो तब भी आपको यहाँ से राइड मिल जाएगी। यहाँ पे इतनी राइड होती है खीर की, ये देखे ये सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर की ये राइड है और 250 रुपए मैंने इनको फेयर बोला तो राइड ओके होगी। अभी जा रहे हैं जी कस्टमर को पिक करने, इनको करते हैं पिक और जो है ड्रॉप करके देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। माशाल्लाह मौसम आज बहुत प्यारा है और जो है मैं कहता हूँ मजा ही आ रहा है ये इन गलियों में इस मौसम में घूमने का। तो चलते हैं करते हैं कस्टमर को पिक, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। गाइस शहर में देहात जैसे को यूट्यूब चैनल है, ये देखे कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाक अरब ऐसी एक जानी मानी जो है सोसाइटी है, बहुत पॉश सोसाइटी है यहाँ की, फिरोजपुर रोड पे आती है। लेकिन यहाँ पे जो है अभी पीछे वो बट्टा भी गुजरा है, शायद आपको नजर आ रहा हो वीडियो में। और जो है क्या कहते हैं, ये बीच में खेत है, ये कच्चा रोड है इसी सोसाइटी में, ये क्या सीन है। हम चले माशाल्लाह देख के बड़ा अच्छा लगा ये सीन जो है ना कि एक सोसाइटी में भी है ये चीज। तो जा रहा हूँ जी अभी कस्टमर को पिक करने, मेरे सामने ये व्यू आया तो मैंने सोचा आपको जो है ये व्यू दिखा दिया जाए। और गाड़ी इस टाइम फुल झटके मार रही है और मारी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस राइड को उतार दिया और जो है ये कस्टमर मुझे थोड़ा सा कम्प्लेन ही लग रहा था क्योंकि उनके पास है एक टैची, उन्होंने कहा कि ये भी रखना है, तो मैंने कहा यार डिग्गी में स्पेस नहीं, आप आगे रख ले, तो उसका वहां से थोड़ा सा मुंह बन गया था। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये कस्टमर थोड़ी बुरी रेटिंग देगा। तो खैर आपको एक चीज दिखानी थी, ये देखें ये राइड है जो ये बंदे की 4 लोकेशन है, बल्कि 5 लोकेशन है और इसकी जो है फेयर देखे 730 रुपए। ऐसी राइड आप लोग कभी भी ना उठाया करें, ये सारा ना आप नुकसान में घाटे में रहोगे क्योंकि ये जो जो स्टॉप करते हैं इनका हर मकसद ये नहीं होता कि यहाँ पे किसी को उतारना है, ये मतलब इन्होंने रुकना भी होता है 5-10 मिनट इनके एक लोकेशन पे लग जाते हैं। चले मान ले रुके भी नहीं, लेकिन फिर भी 730 रुपए ये बंदा फेयर डाल रहा है। राइड मिनी करके भी उसका भी फेयर इसने कम कर दिया, 17 किलोमीटर की राइड है ये। अभी मैंने 12 किलोमीटर की तक 11 या 12 किलोमीटर की राइड कितने में की है, 950 में। तो इस तरह की जिसकी एक से चले 2 लोकेशन भी होना ठीक है, 2 से ज्यादा जिसकी लोकेशन हो वैसी राइड आप कभी भी ना उठाया करें, आपको यू नुकसान में ही रहोगे जी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगली राइड मिल गई है, लेकिन इस राइड से मुझे थोड़ी सी गंदी सी फीलिंग आ रही है क्योंकि ये यांगो की राइड है, 2 किलोमीटर की इनकी पिकअप है, ऊपर एक्टिविटी -1 दिखा रहा था तो मैंने जो है ना फिर पिक कर ली उसी चक्कर में। तो
अभी जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने और देखते हैं कि मुझे ये लग रहा है कि इसका फेयर बहुत गंदा होगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन चलते हैं अभी देखते हैं कस्टमर को पिक करते हैं और देखते हैं इन्होंने कहाँ जाना है, एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि इनका फेयर कितना बना था और ये कहाँ गए थे इंशाल्लाह। गाइज इन कस्टमर को पिक तो करने जा रहा हूँ, लेकिन इनकी डिमांड ये है कि इनको अंदर से जाके पिक करना है, ये दरवाजा खुल गया, अभी जा रहे हैं जी कस्टमर को पिक करने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो यंग वाली राइड को कर दिया ड्रॉप और जो है उनका जो पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ मिला के 8 किलोमीटर तकरीबन था, 8-8.5 किलोमीटर की ये राइड थी और 450 रुपये उनका फेयर बना था। बहुत बुरा फेयर था लेकिन चले मैंने कहा कोई नहीं अब वहां से निकला है, क्योंकि लिबर्टी में राइड्स बड़ी मुश्किल से मिल रही थी। लिबर्टी एक ऐसा एरिया के वहां पे राइड्स होती भी ज्यादा हैं लेकिन वहां पे कैप्टन भी ज्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर जो है मैंने यंगो की राइड वहां से पिक कर ली थी। अभी ये एक राइड आ रही है, बिल्कुल काफी क्लोज है, 11 किलोमीटर की ये राइड है आप देख लें, और जो है इसका फेयर है 550। तो भाई तूने फेयर कम किया हुआ है, तुझे तो नहीं मैं लेके जा रहा। एक ये राइड है पैकेजेस मॉल पे जाना है, इन्होंने 7.5 किलोमीटर की तकरीबन ये राइड है, तो इनको जी हम 650 बोलेंगे अगर तो हम दे सकते हैं, तो 650 पॉसिबल नहीं है। तो खैर मैं देखता हूँ कि अभी हम कोई अच्छी सी कोई राइड ढूंढते हैं, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते जो है ना फेयर देना मुश्किल हो रहा है, तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सी राइड, आपको मिलते हैं उस राइड के बाद राइड के साथ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस हमें अगली राइड मिल गई है, ये वाली ये देख ले 500 रुपये में राइड ऐसी है, इनको यहाँ से पिकअप करना है, ये पिकअप देख लें आप, इनकी ये पिकअप है तकरीबन 2 किलोमीटर की पिकअप है और आगे इन्होंने तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर जाना है। 350 रुपये इन्होंने फेयर डाला हुआ था राइड एसी का, और जो है मैंने क्या कहते हैं 500 बोला, मैक्सिमम आई थिंक 500 ही था, तो वो जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी कस्टमर की अलबत्ता मुझे कॉल आई है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि यार कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि आप जो है रिक्वेस्ट कैंसिल मत कीजिएगा, आप आ जाएं, तो मैंने कहा आप डोंट वरी हो जाएं, आपका भाई आ रहा है आपको पिकअप करने। तो अभी जा रहे हैं जी कस्टमर को पिक करने और देखते हैं जी कस्टमर को पिक करके करते हैं ड्रॉप और देन आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस वो राइड को उतार दिया, 1-1.5 किलोमीटर की वो राइड थी और 500 रुपये फेयर बना, उनसे वो ले लिया। अगली राइड भी हमें आ चुकी है जी, ये इनका फेयर है 457, इनको भी यहाँ से ये बिल्कुल सामने रोड आ रहा है, इधर से राइट लेना है एंड देन लेफ्ट लेना है, तकरीबन पिकअप 1 किलोमीटर की पिकअप है और देन अगेन 1.5 किलोमीटर की इनकी भी जो ड्रॉप ऑफ है पैकेजेस मॉल की 1.5 किलोमीटर, ये 450 में है, पिछली हमारी जो थी वो 500 में थी। जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, इनको पिक करके करते हैं ड्रॉप, देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। इस कस्टमर की लोकेशन पर तो मैं आ चुका था, लेकिन काफी तकरीबन 5-6 मिनट मुझे हो गए मैं वेट कर रहा था इनकी लोकेशन पे, और वो वेट करने के बाद इन्होंने क्या किया जी राइड वो क्या कहते हैं कैंसिल कर दी। ये देखें अभी बिल्कुल जी मैं ये कस्टमर की लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये सामने आपको शायद गेट नजर आ रहा हो या ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, कस्टमर ने बिल्कुल जो है ना वेट करवा के जो है रिक्वेस्ट कैंसिल करा दी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने उनको फिर कॉल किया तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर आप वेट कर सकते हैं 5-10 मिनट तो आप वेट कर लें, नहीं तो हमें इमरजेंसी पड़ गई है, हमें इतना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चले मैं खड़ा हूँ जितनी देर तक अगर कोई अच्छी राइड नहीं आती तो मैं जो आपका वेट कर लेता हूँ, तो अगर कोई अच्छी राइड आ गई तो फिर जाना पड़ेगा। लेकिन ये इन्होंने गलत किया, या उसी टाइम कॉल पे बता देते कि ऐसे ऐसे सीन है कि हमें टाइम लगेगा, तो अभी जी वेट कर रहे हैं कस्टमर का, या तो इनको लेके चलेंगे तो या फिर क्या कहते हैं कोई राइड देख रहे हैं। राइड तो काफी पड़ी है लेकिन सारी राइड मिनी की है, मिनी कोई अच्छी राइड नहीं है, तो या कोई अच्छी गो की या एसी की राइड आती है वो उठा लेंगे, या इनका वेट करके इनको ही ले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाइज उसी राइड को हमने उतारा है पैकेजेस मॉल में, उन्होंने पैकेजेस मॉल ही आना था, यहाँ पे उनको उतार दिया है, और जो है अभी हम देखते हैं अपनी कोई अगली राइड इंशाल्लाह और मिलते हैं आपको अगली राइड के साथ। जी तो गाइज अल्हम्दुलिल्लाह काफी देर वेट करने के बाद हमें जो है ये एक राइड मिल गई एंड्राइव पे। देखें मैं फुल फेयर पे राइड उठाने की कोशिश करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है तो निकलने की करें, हफ्ते का दिन है आज राइड्स ज्यादा है, तो चुप करके जो है फुल फेयर दे के मैं राइड्स उठा रहा हूँ। ये राइड का फेयर देख लें आप 760 रुपये, इन्होंने यहाँ से जाना है निस्तर कलोनी, तकरीबन 7 किलोमीटर की राइड है और जो है मैंने फुल फेयर में उठा ली है। चलते हैं करते हैं कस्टमर को पिक और जो है उनको करते हैं ड्रॉप, देन आपको बताते हैं कि कितना टाइम लगा ये राइड कंप्लीट करने में, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ये राइड कंप्लीट करने के बाद। तो गाइज अभी सीन ये है कि वो राइड वगैरह उतार के मैंने जो है ये खाने पीने के
के लिए कुछ चीजें ली, एक तो ये केक लिया और एक ये। तो मेरी अचानक ही जो है ना पीछे नजर पड़ी है पिछली सीट पे, तो ये कोई कस्टमर जो है ना अपना एक बैग भूल गया यहाँ पे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा कस्टमर है, एक मिनट ये उतार के देख लेते हैं। ये जी बैग है, वीडियो तो नहीं बनानी चाहिए लेकिन मैं बना रहा हूँ। ये कस्टमर कोई भूल गया है। अभी सीन ये है कि जो अभी लास्ट राइड उतारी उसमें बच्चे थे और एक अंकल थे, उनका तो मैंने सामान वगैरह चेक करवाया, उन्हें मैंने बोला कि तसल्ली से उतार ले, वो तसल्ली से उतार के गए हैं। तो लेकिन ये अभी पता नहीं कौन से कस्टमर के, हमने इतनी ज़्यादा राइड्स की हैं तो आइडिया नहीं हो रहा। तो एक दफ़ा इसमें से सामान भी देख लेते हैं ताकि एज अ प्रूफ भी हमारे पास वीडियो भी रहे, किसी कस्टमर जिसका भी है कॉल आ जाए तो हम जो है एज अ प्रूफ उनको बता सके कि ये सामान था। तो ये देखें ये पड़ा है, ये इसमें अरे यार इसमें तो ये पैम्पर पड़े, इसमें ये पैम्पर हैं और एक ये आई थिंक ये क्या चीज़ है, ये एक बोतल पड़ी हुई है इसमें पानी वाली, और एक जो पाउडर है बच्चों का। तो आई थिंक किसी बच्चों का कोई सामान है। तो अभी रिसेंट राइड वालों को भी मैंने कॉल करके एकदम पूछ लेता हूँ वो क्या कहते हैं इस बारे में, और जो है फिर ये देखते हैं कि ये किन क्या है। इसको जो है हम पिछली सीट पर रख देंगे, पिछली सॉरी कह रहा हूँ, इसको जो है हम डिग्गी में रख देंगे ताकि जो है अगर कोई कस्टमर बैठे भी तो वो अपने साथ ना ले जाए। तो पहले डिग्गी खोलते हैं। ये जी डिग्गी खोल दी मैंने, अभी जो है वो सामान हम रख देते हैं डिग्गी में ताकि जिस भी कस्टमर का ये है यार हम एज आ इमानत हमारे पास पड़ा रहे। तो इसको जी रख देते हैं डिग्गी में, ये गया जी डिग्गी में। डिग्गी में यार बहुत गंद बचा हुआ है, ये देखो ऊपर, और ये स्पीकर का यार ये फट्टा सारा टूटा पड़ा है, ये सही होने वाला है तो ये घुमाएंगे। खैर सामान को मैंने रख दिया, जैसे ही किसी कस्टमर से करते हैं रब्ता कि कस्टमर इस बारे में क्या कहते हैं कि सामान रख दिया। अभी खाते हैं जी हम अपना ये केक वगैरह और वेट करते हैं कस्टमर की कॉल का। तो गाइस काफी देर वेट करने के बाद अभी तक किसी कस्टमर की कॉल नहीं आई अपना पार्सल लेने के लिए। तो लेकिन हमें ये एक राइड आ चुकी है, ये देख लें 650 में इनको जी कोट लखपत लेके जाना है। यहाँ से तकरीबन 6 से 6.5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है 650 रुपए में। तो ये राइड मुझे काफी देर के बाद मिली है, लेकिन अगेन हमें मिली पाक अरब से ही है। वहां पे मैं जहाँ पे जो लास्ट राइड हमने उतारी है वहां पे तो कोई राइड नहीं आई, तो फिर मैं थोड़ा पाक अरब वाली साइड आ गया तो यहाँ से हमें जो है ये राइड मिल गई। तो अभी जा रहे हैं कस्टमर को पिक करने, इनको जल के करते हैं पिक, देन इनको करते हैं ड्रॉप, उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस ये राइड उतार दिया, इनकी जो लोकेशन भी थोड़ी सी गलत थी, तकरीबन 1 किलोमीटर ये लोकेशन से आगे गए, इनका 650 फेयर था, उन्होंने मुझे 800 रुपए दिया। तो अभी जी मैं चल के काफी पास आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी चलते हैं घर, बकाया काम जो है ना पेंडिंग कर देते हैं इंशाल्लाह कल पे। मेरे एक दोस्त की आज जो है बर्थडे है तो वो मुझे कॉल्स पे कॉल कर रहे हैं कि आ जाओ। तो अभी जी चलते हैं उनकी बर्थडे पे, देन मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। जी तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आ चुका है घर, और जो है उस पार्सल की अभी तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, और जो है मैं घर आ चुका था और मैंने ला के वो घर में रख दिया है। तो जैसे ही अगर किसी कस्टमर की कॉल आएगी तो अगर तो वो कहेंगे कि तो उनको बाइकिया करवा दूंगा, क्योंकि पर्सनली गाड़ी में जाके देना तो इम्पॉसिबल है, चीज़ें छोटी हैं, गाड़ी का पेट्रोल ज़्यादा लग जाएगा, या वो डिमांड करेंगे कि गाड़ी में दे जाओ तो हम उनको गाड़ी में देंगे, पेट्रोल के पैसे ले लेंगे उनसे। तो खैर एनीवेज आपको दिखाते हैं हमारी आज की अर्निंग कितनी हुई है, तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, सबसे पहले दिखाते हैं आपको अर्निंग। तो गाइज ये है हमारी आज की अर्निंग, ये जो हमारे फेयर्स बने थे इन ड्राइव पे ये थे हमारे 3510 रुपए के फेयर थे, इसमें से हमारी कमीशन कट गई जी 417 रुपए हमारी कमीशन कट गई फेयर्स पे, ठीक है। उसके बाद जी इसमें हमारे एक राइड हमने यांगो पे की थी तो 400 रुपए यांगो का हम कर लेंगे, 3100 इसको कर लेते हैं, और जो है 400 हम उसको कर लेते हैं अपने यांगो को, ठीक है। ये आ गया जी 3100 इन ड्राइव का प्लस यांगो 400 तो 3500। अभी इसमें से जो है हमारा मैंने तकरीबन फ्यूल डलवाया 1500 का हमारा इसमें फ्यूल चला जाता है, माइनस 1500 हम कर देते हैं जी फ्यूल। तो ये है जी आज की हमारी अर्निंग। तो हमने कितने घंटे काम किया,
हम तकरीबन निकले थे 4 बजे, 4 से 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे काम किया आज। माशाल्लाह राइड्स अच्छी थी, ये नहीं कि ये 2000 ही अर्निंग है, तकरीबन 2500 अर्निंग थी हमारी आज। कुछ ऊपर के पैसे मिले, जैसे लास्ट राइड में भी हमें थोड़े से ऊपर के मिले, तो 2500 आज हमने की। तो मैं पहले आपको मेनली जो अर्निंग हुई होती है वही दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये नहीं होता कि हर कस्टमर ज़्यादा पैसे देता है, कुछ कम देते हैं कुछ ज़्यादा देते हैं, तो यूँ निज़ाम चलता रहता है। तो खैर एनीवेज आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।